नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के अंतर्गत कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने कांग्रेस के फाउंडेशन के बारे में चर्चा की थी कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से किन के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन से हुए, उनकी क्या खासियत रही है, कांग्रेस के किन अधिवेशनों में किसको अध्यक्ष बनाया गया और किस स्थान पर कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछे गए MPPSC में भी और अन्य एग्जामों में भी। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो वैसे तो हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि जो भारतीय जो नेता है या जो भारतीय लीडर है वो एक साल में एक बार किसी एक मंच पर इकट्ठे हों, एकत्रित हों, और वो ये सुनिश्चित करें कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रशासन किया जा रहा है उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, क्या उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, किस तरीके से उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये जो था ये कांग्रेस का उद्देश्य था, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। तो हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, हर साल भारत देश के प्रमुख जो बड़े नेता थे वो एकत्रित होते थे और विचार विमर्श करते थे। तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो मुख्य मुख्य विशेष अधिवेशन है वो कहां पर हुए, कैसे हुए, कौन उनके अध्यक्ष बने। तो जो पहले पहला जो कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में। पहला जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 1885 में, 1885 में 25 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जो 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे में हमने देखा था पिछली वीडियो में कि ये अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या हो गया था कि वहां प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, तो इस वजह से इस अधिवेशन को बॉम्बे में किया गया था, वो संस्कृत कॉलेज में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 1885 में हुआ था। ये प्रथम अध्यक्ष बने थे, और इनके अलावा 72 प्रतिनिधियों ने भी कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था अध्यक्ष, और इनके अलावा 72 प्रतिनिधियों ने भी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। अगले जो अधिवेशन की बात करेंगे, अगला अधिवेशन अगली साल हुआ 1886 में, यानी 1886 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ, जो कि हुआ कलकत्ता में। हम आपको बता दें कि हमने ये कल वाली वीडियो में ये बताया था कि पहले अधिवेशन में ये मांग की गई थी कि जो हमारा अगला अधिवेशन होगा वो कलकत्ता में किया जाना चाहिए, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये स्वीकार कर ली गई थी। तो अगला जो अधिवेशन हुआ 1886 में वो कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी जो थे ये सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष बने कांग्रेस के। कांग्रेस के ये जो आगे के जो अध्यक्ष बने उनमें और पहले जो अध्यक्ष बने उनमें सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे कौन से, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। ये सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे। तो ये पूछा गया था कि किस अधिवेशन में सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष चुना गया था, तो कौन थे वो, दादा भाई नौरोजी जो थे ये सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे। अगला जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1887 में, यानी 1887 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ मद्रास में। पहला जो अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, अगला जो हुआ कलकत्ता में, उसके बाद हुआ मद्रास में। तो जो 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष बनाया गया बदरुद्दीन तैयब को। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे उनको अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन की खासियत थी कि इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहली बार जो मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था 1887 के मद्रास अधिवेशन में। अगला जो है वो है 1888 का अधिवेशन। 1888 का अधिवेशन आयोजित किया गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1888 का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया जॉर्ज युल को। जॉर्ज युल नामक एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको इसका अध्यक्ष चुना गया। तो इस अधिवेशन की खासियत थी कि इसमें पहला अंग्रेज अध्यक्ष चुना गया था, किसको, जॉर्ज युल को। तो जॉर्ज युल जो थे ये 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला जो है वो है 1889। 1889 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ बॉम्बे में। बॉम्बे में 1889 में ये अधिवेशन हुआ। इसमें विलियम बेंडरवन को अध्यक्ष चुना गया, किसमें, बॉम्बे के 1889 के अधिवेशन में विलियम बेंडरवन को अध्यक्ष चुना गया।
इसमें जो इस अधिवेशन के अंतर्गत जो वोट डालने की जो उम्र थी वो उम्र बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई थी। पहले वोट डालने की जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी, लेकिन इसके बाद जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष कर दी गई थी कि 21 वर्ष के लोग ही केवल वोट दे सकते हैं। अगला जो अधिवेशन हुआ उसमें 1891 में 1891 में अगला अधिवेशन हुआ, ये हुआ नागपुर में। नागपुर में ये अधिवेशन हुआ, इसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए आनंद सिंह चालू। आनंद सिंह चालू की अध्यक्षता में नागपुर में 1891 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन सा? सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का नाम जो था वो राष्ट्रीयता पड़ा। कांग्रेस का नाम बदल ये राष्ट्रीयता पड़ा, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाने लगी ये, तो इसका नाम कांग्रेस का नाम राष्ट्रीय पड़ा, राष्ट्रीयता पड़ा। आनंद सिंह चालू की अध्यक्षता में नागपुर में 1891 में सातवां अधिवेशन हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे बारहवें अधिवेशन की। तो बारहवां जो अधिवेशन हुआ था 1896 में बारहवां अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे रहीमतुल्ला रुमानी। रहीमतुल्ला रुमानी जो थे ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ये चुने गए थे अध्यक्ष, बारहवें अधिवेशन। राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, तो 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता में रहमतुल्ला रुमानी की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। तो ये 1896 की बात हुई। अब हम बात करेंगे 22वें अधिवेशन की। तो 22वां जो अधिवेशन है वो हुआ था 1906 में। 1906 में हुआ अधिवेशन कलकत्ता में। कलकत्ता में जो 1906 में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये, इसमें क्या हुआ था? पहली बार स्वराज्य शब्द की स्थापना, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सी? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला जो अधिवेशन है वो है 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था रास बिहारी बोस को। रास बिहारी घोष को सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1907 में ये अधिवेशन हुआ था सूरत में। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। कांग्रेस में दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और इसमें गरम दल और नरम दल ये विभाजित होकर बढ़ गए थे। कब? 1907 में। अगला जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 24वां अधिवेशन 1908 में। 1908 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ मद्रास में। कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1908 में, कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ। इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो 1907 में भी ये अध्यक्ष चुने गए थे, 1908 में भी ये अध्यक्ष हुए, 23वें अधिवेशन में और 24वें अधिवेशन में। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। कांग्रेस की जो खुद का जो संविधान था उसका निर्माण किया गया। कब? 1908 के अधिवेशन में। अगला जो अधिवेशन है वो हुआ 27वां अधिवेशन 1911 में। 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता में 1911 में 27वां अधिवेशन हुआ। इसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए पंडित विश्व नारायण धर। पंडित विश्व नारायण धर जी को इसका अध्यक्ष चुना गया 1911 में। इसमें क्या हुआ? जनगण मन इसमें गाया गया पहली बार। जो हमारा राष्ट्रगान है वर्तमान में, इसको जनगण मन को गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विश्वनाथ धर की अध्यक्षता में। अगला है 31वां अधिवेशन। 31वां जो अधिवेशन है वो 1915 में हुआ था। 31वां अधिवेशन 1915 में हुआ था, ये बंबई में हुआ था। बंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को इसका बंबई अधिवेशन 1915 का अध्यक्ष चुना गया था। इसके जो अध्यक्ष इसमें जो हुआ था, इसमें जो लॉर्ड वेलिंगटन थे इन्होंने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन जो ब्रिटिश अधिकारी थे इन्होंने भाग लिया था किसमें? 1915 के बंबई अधिवेशन में। अगला जो अधिवेशन है वो है 33वां अधिवेशन 1917। 33वां अधिवेशन 1917 ये हुआ कलकत्ता में। 23वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया। तो श्रीमती जो एनी बेसेंट थी ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी और पहली महिला अध्यक्ष, ये दोनों ही है। तो एनी बेसेंट को इस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया 1917 में। पहली महिला अध्यक्ष बनी ये एनी बेसेंट। अगला जो इसके बाद हम देखेंगे कि 1 अगस्त 2020 को जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई तब दो अधिवेशन हुए। असहयोग आंदोलन के समय दो अधिवेशन हुए। तो पहला जो हुआ वो 36वां अधिवेशन था 1920 में हुआ। 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ। इसमें जो अध्यक्ष चुना गया वो सी विजय राघवाचार्य को चुना गया, यानी सी बी राघवाचार्य को इसका अध्यक्ष चुना गया। इसमें कांग्रेस के संविधान में सुधार किया गया। क्यों? कौन से अधिवेशन में? 36वें अधिवेशन।
इसके बाद आया 37वां अधिवेशन 1921। 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में चितरंजन दास को इसका अध्यक्ष चुना गया। 1921 में अधिवेशन हुआ, अहमदाबाद में चितरंजन दास को इसका अध्यक्ष चुना गया, लेकिन चितरंजन दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया। चितरंजन जी दास जो थे असहयोग आंदोलन के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके बाद अध्यक्ष जो बनाया गया था हकीम अजमल खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया था 1921 में। हकीम अजमल खां जो अध्यक्ष बने थे, इसकी ये खासियत थी कि कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि चितरंजन दास जो सीआर दास थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था प्रशासन के द्वारा। तो इसलिए प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया था? हकीम अजमल खां को। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी कुछ अधिवेशन के बारे में चर्चा की, इसके बाद हम जो और बाकी के बचे हुए मुख्य अधिवेशन है उनके बारे में देखते हैं। तो जो अगला अधिवेशन हुआ था 39वां अधिवेशन, यानी 39वां जो अधिवेशन हुआ था 1923 में अधिवेशन हुआ था। स्थान की बात करें तो ये काकीनाड़ा नामक स्थान पर ये अधिवेशन हुआ था। काकीनाड़ा नामक स्थान पर 1923 में 39वां अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जो थे इसके अध्यक्ष बने, और इसकी इस अध्यक्ष इनकी खासियत थी कि ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। किसके? कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आजाद। अगला जो अधिवेशन है वो 40वां अधिवेशन, 40वां अधिवेशन है 1924 में ये हुआ था। 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था? अगर स्थान की बात करें तो ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था 1924 में। गांधी जी जो थे इसके अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन की। लेकिन गांधी जी की एक खास बात और है, केवल एक ही बार अध्यक्ष बने, अगली बार ये अध्यक्ष ना बने, नए नए किसी ने बनाया, और ये खुद भी इनने मना कर दिया कि अब हमें अध्यक्ष नहीं बनना है। तो बेलगांव अधिवेशन के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1924 में, जो 40वां अधिवेशन था। फिर आया 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ। 1925 के 41वें अधिवेशन में कानपुर में अधिवेशन आयोजित किया गया। कानपुर के 1925 के अधिवेशन के 41वें अधिवेशन में श्रीमती सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया। सरोजनी नायडू की खासियत थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। जो प्रथम महिला बनी थी वो थी एनी बेसेंट, जो कि विदेशी महिला थी, लेकिन जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। अगला जो अधिवेशन हुआ वो होगा 1926 में। 1926 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जो 1926 में अधिवेशन हुआ, तो एस श्रीनिवासन आयंगर के द्वारा ये अधिवेशन हुआ। किसके द्वारा? एस श्रीनिवास आयंगर के द्वारा यह अधिवेशन आयोजित किया गया। खादी वस्त्र पहनना इसमें अनिवार्य किया गया। कौन से अधिवेशन में? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में एस श्रीनिवास आयंगर जो इसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अंतर्गत तय किया गया कि सभी सदस्यों को खादी के वस्त्र पहनना अनिवार्य है। अगला जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 45वां अधिवेशन 1929 में। 1929 में ये अधिवेशन हुआ लाहौर में। लाहौर में ये अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। लाहौर के 1929 के 45वें अधिवेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, लक्ष्य इसमें रखा गया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। और पहली बार रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें तिरंगा झंडा फहराया गया था रावी नदी के किनारे। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें रावी नदी के? तो 1929 के लाहौर, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न हुआ था। 46वां अधिवेशन है 1931। 1931 में 46वां अधिवेशन हुआ था, ये कराची में हुआ था। कराची में इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कराची में 46वां अधिवेशन हुआ, जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किसमें मौलिक अधिकारों की मांग किसमें की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला जो है वो है 51वां अधिवेशन। 51वां अधिवेशन 1937 में हुआ था। 1937 में फैजपुर में 51वां अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये ऐसा पहला अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। ये गांव में संपन्न हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला जो अधिवेशन है वो है 52 यानी 52वां अधिवेशन। 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ था। हरिपुरा यानी गुजरात की एक जगह है हरिपुरा, वहां पर ये अधिवेशन संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और ये सुभाष चंद्र बोस थे पहली बार अध्यक्ष बने, इसके पहले ये अध्यक्ष नहीं बने थे। तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, 52वां अधिवेशन था। 53वां जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्ष ये हुआ था 1939 में, 1939 में ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ये अधिवेशन 1939 में 53वां अधिवेशन संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारामैया जी ने।
पट्टा भी सीतारामैया जी की अध्यक्षता में त्रिपुरा में 1947 में 53वां अधिवेशन संपन्न हुआ। इन्होंने लेकिन इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। कौन से अधिवेशन के? त्रिपुरा अधिवेशन के। अगला जो अधिवेशन है वो हुआ 1947 में। 1947 में अधिवेशन हुआ दिल्ली में। दिल्ली में जो 1947 में अधिवेशन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसी के अध्यक्ष थे अधिवेशन के, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था, देश का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। तो इस तरीके से आज हमने कांग्रेस के पूरे जो अधिवेशन थे उनके बारे में चर्चा की है। जो भी मुख्य अधिवेशन थे, मुख्य मुख्य जो पेपरों में अधिकतम पूछे जाते हैं, जिनकी कुछ विशेषताएं रही हैं, जिनकी जो खास विशेषताएं थी, उनके बारे में हमने चर्चा की है। आगे जो हम बात करेंगे आगे की क्लास में, उसमें हम कांग्रेस के कुछ सिद्धांत है उनके बारे में, दो सिद्धांत है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस की समस्त जानकारी, समस्त क्लास हम करेंगे, संपूर्ण चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को आप एक दो बार रिवाइज करके देखें, इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।